गुड मॉर्निंग, राम राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। एक और नया दिन, एक और नई वीडियो की शुरुआत जो अब हो रही है। टाइम 9:44, ऑलमोस्ट 9:45 इन द मॉर्निंग। हमारे ब्रेकफास्ट की हो गई है तैयारी, 100% आटा, ब्रेड, बटर और ये चाय। साथ में काम चल रहा है हमारा रोज का रूटीन का। आवाज थोड़ी सी भारी है, सिर भी थोड़ा सा भारी है। पिछले 2-3 दिन की ना भागम भाग जो है अब असर दिखाने लगी है। काम ही ऐसा है यार, कोई कमिटमेंट अगर किसी से कर लो तो फिर उसको पूरा करना पड़ता है, और वो जब कम काम के मन माफिक रिजल्ट्स ना आए ना तो थोड़ा सा इशू हो ही जाता है। एनीवेज हम कर रहे हैं काम अपनी तरफ से पूरी कोशिश के काम को थोड़ा सा सिरे पे लगाया जाए और ढंग से लगाया जाए। ये वाला काम निपटा लेते हैं और ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और फिर मिलते हैं रेडी होके। बाहर निकलने का टाइम हुआ तो दही खानी लाजमी है, क्योंकि आज का दिन भी बड़ा भाग दौड़ वाला होने वाला है। अभी फिलहाल टाइम हो गया है 11:26, ऑलमोस्ट 11:30 इन द मॉर्निंग, क्लोज टू नून हो गया अब तो। और सबसे पहले यहाँ से दही खाते हैं और फिर फटाफट पहुंचते हैं अवेकन अलाइव तिलक नगर कॉन्टैक्ट सेंटर, वहां थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, फिर मेट्रो से चलेंगे पटेल नगर। क्या करना है क्या है सब रास्ते में बताते जाएंगे। सबसे पहले पहुंचते हैं तिलक नगर अवेकन अलाइव कॉन्टैक्ट सेंटर पे और फिर अगले अपडेट के साथ वहीं से मिलते हैं। यहाँ आए थे अवेकन अलाइव तिलक नगर कॉन्टैक्ट सेंटर, हमने कहा बैठ के थोड़े चने खाते हैं क्योंकि टाइम थोड़ा सा शॉर्ट रह गया है। 11:48, ऑलरेडी 1:45 नून हो चुका है। 12:30 का टाइम मैंने पटेल नगर दे रखा है। यहाँ भाई साहब सुबह 11:00 से आए हुए हैं और मजे की बात है लाइट नहीं है यहाँ पे भी, और मैंने इनसे पूछा कब गई है, कह रहे जब मैं आया था ना तो लाइट पहले ही गई हुई थी। तो अप्रोक्सीमेटली 1-1.5 घंटा तो ऑलरेडी हो चुका होगा। चलो हमें आगे चलना है, भाई साहब यहाँ बैठेंगे। वो देखो पंखा भी नहीं चल रहा हमारा, खड़ा हुआ है, तो देखते हैं हम तो निकलेंगे, फिर पूछेंगे भाई साहब से कितनी देर में लाइट आई, क्योंकि ये भी 3:00 तक। आप 3:00 तक तो रहोगे ना? हाँ 3:00 तक। हाँ वो देखो नीचे मोबाइल में कोई काम देख रहे हैं, इस तरफ ध्यान ही नहीं है। देखा 3:00 तक रहेंगे तो तब तक अगर लाइट आ जाएगी तो ये थोड़ा हवा का सुख मान लेंगे। वैसे ज्यादा हमारे यहाँ पे ना बहुत ज्यादा भयंकर वाली गर्मी नहीं होती, क्योंकि ऊपर बिल्डिंग बनी हुई है और ये काफी ऊंची छत है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा ठीक रहता है माहौल, पंखे से भी ठीक हो जाता है। एनीवेज थोड़ी देर भाई साहब के साथ कुछ बातें बातें करते हैं, बहुत दिन से कोई चीजें हैं जो डिस्कस करने वाली हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं तो फिर मिलते हैं मेट्रो स्टेशन पे पहुंच के। भाई साहब के ना घर पे कोई पारिवारिक फंक्शन था तो भाई साहब हमारे लिए लड्डू ले आए हैं, बढ़िया बढ़िया है, मस्त वाला। इसको क्या बोलते हैं जी, बूंदी का लड्डू, मोतीचूर लड्डू, जो भी कह लो, बूंदी का लड्डू, मोतीचूर लड्डू, एक ही है और बहुत बढ़िया लग रहा है शक्ल से खाने में। मीठा है पर खा लूंगा मैं, ठीक है। आगे तिलक नगर मेट्रो स्टेशन और ये वही इलेक्ट्रॉनिक सिटी जाने वाली मेट्रो, 2 मिनट या प्लेटफॉर्म या स्टेशन कितनी दूर है पता नहीं, आती है तो मेट्रो पर चलते हैं और पटेल नगर मेट्रो स्टेशन पहुँच के वहाँ मिलेंगे चंदन, फिर उनसे मिलवाते हैं आपको। ये देखो आज भी हवा बहुत पावरफुल है, शायद हवा की आवाज़ भी आपको माइक से आ रही होगी, और ये फ्लैग सेम शान से लहरा रहा है तिलक नगर मार्केट के चौक पे। तो चंदन भाई और हम पहुंच चुके हैं हम दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में, ये देखो, और हम अकेले नहीं हैं, हमारे तीसरे साथी वो फोन में बिजी हैं। ये देखो टोपी पहनाओ, दोबारा टोपी पहनाओ। ये कह रहे थे कि अफवाह फैल गई थी दिल्ली में जिसके कारण घर में कलेश हो गया, रोटी नहीं मिली, आधा घंटा लेट भी पहुंचे, और हम मेरे को पता कितना वेट कराया मैंने, वहां नहीं बोला, गुस्सा आ रहा था मेरे को। मैं पहुंच गया वहां पे 12:25 पे और ये आए 12:52 पे, तकरीबन आधा घंटा मेरे को इन्होंने वेट किया। ये इधर दिखाओ, शक्ल दिखाओ इनकी, ये वाला बंदा देख लो, ये लेट कराता है और फिर आके बोल रहे हैं घर में लड़ाई हो गई थी और खाना नहीं खा के आया मैं, भूखे पेट आ गया, ऐसे थोड़ी होता है, ठीक है ना। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। हाँ ये तो सही में मस्त माहौल हुआ पड़ा है यहाँ सेंट्रल पार्क कनॉट प्लेस के अंदर भी। ये देखो तिरंगा कैसे फर्स्ट क्लास लहरा रहा है पूरा हवा में।
चलो जी निकल आए मीटिंग से। एक ना बड़ी पहले कहावत सुनी थी, मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, और ये चंदन को आज घिसी दिया आज ये मुफ्त का चंदन घिसा गया चलो जो था ठीक था, मीटिंग हुई, प्रपोजल रखा, बात हुई, अब चल रहे हैं वापस मेट्रो स्टेशन, वहां से मेट्रो लेके फिर देखते हैं अगली डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं। ये देख लो, ये स्पीड देखो चम्मच चलने की, एक पे एक गपा घप चल रहा, दो लोग लगे हों तो फिर इतनी जल्दी, इतने लेट थोड़ी होते हैं फिर। ये ललित जी खाली कचौड़ी थोड़ी सी रह गई है, जल्दी खा के खत्म करो ना यार। फिनिश, पहले दो चम्मच चल रहे थे अब एक। तो जी गेट नंबर 6 से हम लोग अब नीचे उतर रहे हैं मेट्रो स्टेशन में, और यहाँ से मेट्रो लेके चलते हैं अपने ठिकाने की तरफ। मैं, ललित जी और ये हमारे चंदन भाई, हम सब चल रहे हैं वापस हल्के हल्के मेट्रो से, और मेट्रो में घुस चुके हैं भाई पूरा स्टेशन में। इनफैक्ट राजीव चौक से चले और सेक्टर 11 द्वारका पहुंच गए हैं जी। वो देखो हमारे दूल्हे आदमी पीछे से आ रहे हैं, वो रिचार्ज में अटक गए हैं ललित जी रिचार्ज में अटक गए। चलो अब इस मीटिंग को भी निपटाते हैं, फिर अगली अपडेट के साथ मिलेंगे। पूछो ये कहाँ गए हम यार चाय पिला दी है अभी चंदन ने, और भाई ने खिला दिया वो क्रश्ड वाले पीनट्स। देखो हमारा एक दोस्त देखने आ रहा है, क्या नाम है तुम्हारा? रंजीत। रंजीत, अच्छा कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फिफ्थ। उनको बताओ किसमें? फिफ्थ में। फिफ्थ में। आपका नाम क्या है? रंजीत। नहीं, वो दूसरी वाली का, क्या नाम? अंशिका। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? ये फोर्थ में पढ़ती है। चलो चाय पी ली है, और हम तो पढ़ते ही नहीं सर, ये इनका इन्होंने पढ़ना छोड़ दिया है चलो मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। मीटिंग से ओवर हुए हैं अभी द्वारका में ही, तो ललित जी और वो भाई गया है जरा कुछ चीज ढूंढने, चाप खिलाने ले आए हैं। यहाँ एक कोई चाप पॉइंट है, कौन सा सेक्टर है ये? 10 में। तो चाप खा रहे हैं और फिर मिलते हैं। ये लो जी अब चाप चुप खा ली हमने, और टाइम क्या हो गया है बताऊं? आज बहुत लेट हो गए, 8:40, और अब हम आ रहे हैं द्वारका सेक्टर 11 सेक्टर 11 से चढ़ रहे हैं, अब मिलते हैं चल के तिलक नगर। पहुंच गए हैं तिलक नगर मेट्रो स्टेशन, और अब चलते हैं अवेकन अलाइव तिलक नगर कॉन्टैक्ट सेंटर, वहां से जॉर्ज को लेते हैं और अपनी गेड़ी कंप्लीट करते हुए चलेंगे घर। सबसे पहले जॉर्ज को लेते हैं और फिर मिलते हैं आपको अगले अपडेट के साथ। ले लिया है जी जॉर्ज को, सुबह से यहाँ छोड़ा हुआ था दोपहर से, और अब चल रहे हैं एक दो काम निपटाने हैं, एक आधे बंदे को भी और मिलना है, और टाइम ऑलरेडी हो गया है 9:24 ऑलरेडी, ऑलमोस्ट 9:30 एट द नाइट। मिल लेते हैं जिसको मिलना है, गेड़ी भी कंप्लीट कर लेते हैं अपनी समझो ये, और फिर मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। चलो जी ऑलमोस्ट ये समझो एक छोटी सी गेड़ी हो गई थी, तो ये गेड़ी अब ख़त्म होती है और चल रहे हैं घर को। आज का दिन भी ना बड़ा ज़्यादा हैसल वाला रहा, टाइम अभी हो गया है 9:45 ऑलरेडी 9:45 एट द नाइट, और अब हम चल रहे हैं घर को। सुबह तकरीबन कितने बजे हैं? सुबह मतलब करीब 11:15 मतलब श्योर 11:15 के करीब निकले थे, और अब चल रहे हैं घर को। रास्ते में ना पीछे कार वाला बिल्कुल एकदम स्लो ही हो गया था। वहाँ द्वारका में जो चाप वगैरह और रुमाली रोटी खा ली थी ना, पेट तो उससे फुल हो गया, तो डिनर की ज़रूरत नहीं है, इसलिए अब रास्ते में से कुछ नहीं लेना, सीधा घर चलेंगे और इस वीडियो को एडिट करेंगे। तो इस वीडियो को ख़त्म यहीं करते हैं, यहाँ तक देख लिया तो कुछ लाइक एक जरूर दे देना, और कुछ अच्छा लगा या बुरा तो कमेंट्स के अंदर आप डेफिनेटली आप अपने विचार दे सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं।
अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा लेना, ऑल नोटिफिकेशंस ऑन करना बिल्कुल मत भूलना, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करेगी। साइनिंग ऑफ, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, नमस्कार, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल।